अगर इस वीडियो में आप सोच रहे हैं कि आप ये सीखेंगे कि कैसे जापानीज लड़कियों से बात की जाए, तो जी नहीं, हम सीखेंगे कि कैसे जापानीज में लड़कियों से बात की जाए। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि और इसको एक तरह से काइवा सीखने का ही वीडियो कह सकते हैं। तो चलिए बात शुरू होती है। जब मैं जापान में नया नया पहुंचा था और हॉस्टल में अपना सामान रखने के बाद अगले दिन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होना था, जिससे पहले शाम को सभी फॉरनर स्टूडेंट्स का जापानीज स्टूडेंट से गेट टुगेदर पार्टी का अरेंजमेंट था। और वहीं पार्टी में नाओमी-सान, जो कि हमारी जापानीज सीनियर थी, उन्होंने मेरे पैर पे पैर रख दिया। आह सुमिमा सेन आशी दाई जो बुद्धिस का, अचानक वो बोली। इसका मतलब होता है ओ आई एम सॉरी, क्या आपका पैर ठीक है? तो मैंने बोला हाई ताइश्ता को तो जारी मासेन। ताइश्ता को तो का मतलब होता है स्पेशल, तो इसका मतलब है यस नथिंग स्पेशल। आप कुछ भी और भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सुमिमा सेन किज का नाकते, किज का मतलब होता है नोटिस करना और किज का नाकते का मतलब है सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। तो मैंने जवाब दिया होन तो दाई जो बुदेस किनिशी नाइते कुतासाई। किनिशी नाइते कुतासाई एक सॉरी का ही फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं प्लीज़ डोंट बॉदर, या आप इसकी कोई परवाह मत कीजिए, कोई बात नहीं। शिन्यू गाक्से सान दिस का, शिन्यू का मतलब होता है न्यूली एंटर्ड और गाक्से सान, सान यूजुअली लगाते हैं आपने सीखा होगा, आपने बेसिक जापानी सीखी है तो हर किसी के आगे बेसिकली रिस्पेक्ट देने के लिए लगाते हैं, तो ये नाउन्स के साथ भी आ सकता है। शिन्यू गाक्से सान दिस का मतलब है कि क्या आप न्यूली एंटर्ड स्टूडेंट हैं यहाँ पर? तो मैंने जवाब दिया हाई इन दो कारा मायरी माश्ता निहोंगो केन शिन्यू गाक्से दिस। तो मैंने जवाब दिया कि मैं इंडिया से आया हूँ और निहोंगो केनशिन्यू गाक्से का मतलब होता है कि मैं जापानीज लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ। केनशू का मतलब रिसर्च कह सकते हैं या स्कॉलर कह सकते हैं, तो जापानीज जो पढ़ने जाते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम पर, तो उनको शिन्यू गाक्से कहा जाता है। इंदो जिनवा निहोंगो नो हत्सोन गा किरे दिसने, इसका ये मतलब होता है कि हत्सोन आपका बहुत क्लियर है, और स्पेशली इंडियन जो होते हैं उनका जापानीज लैंग्वेज का हत्सोन यानी कि प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर होता है। तो मैंने ये सोचा कि उनको डायरेक्टली थैंक्स बोलने के बजाय प्रेज़ किया जाए, तो मैंने बोला इंदोनीत सुते योग शित्यमास ने, यानी कि आप इंडिया के बारे में काफ़ी जानते हैं। तो उन्होंने यस बोला और थोड़ा सा स्माइल करा, और उसके बाद हमें एक ऑकवर्ड साइलेंस था थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा इंदोनीत सुते हितोत्स कीकताई कोतोगारीमास, यानी कि मैं कुछ एक बात पूछना चाहती हूँ इंडिया के बारे में। इंदोवा आई टी का सुगुरे तेरु कुनी दातो कीकीमास तागा इप्पो सुगोई बिम्बो दे कुराश तेरु हितो हितो बितोगा मिका के मास ने, तो इसका मिका के मास का मतलब होता है कि दिख जाते हैं और बिम्बो का मतलब होता है गरीब। तो स्टार्ट उन्होंने किया कि इंडिया एक आईटी से आईटी की एक एक्सीलेंट कंट्री है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसमें काफ़ी एक्सेल्ड कंट्री है ऐसा मैंने सुना है। ऑन दी अदर हैंड इपो मतलब ऑन दी अदर हैंड सुगोई बिम्बो दे कुराश तेरू हितो का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो देख सकते हैं हम के गरीब हैं, गरीबी में रह रहे हैं। दोची का होन तो नो इंदो नानो देश का, तो मैंने जवाब दिया इंदोवा क्यों के की नहीं हाथ इंश तेरू क्यों नहीं दे काशी कोई हितों का फूए थे मास में, इसका मतलब है कि इंडिया एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है, रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, और काशी कोई का मतलब होता है स्मार्ट क्लेवर इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट पीपल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा जवाब सुन के वो बोली ससगा निहोंगो जोजुनी शाबेरी मास ने, यानी कि आप सचमुच जापानीज बहुत अच्छी बोलते हैं। सोरेबा निहोंजिन नो कागे देश ने, तो मैंने जवाब दिया कि ये भी जापानीज लोगों की वजह से ही है। नान देमो ते नीनी ओशियते कुरे माशी वताशिवा निहोन नीरू आयदा तकसन नो निहोन जिन्नी ओ सेवनी नत्ता कोतोगारी मास, यानी कि ये भी जापानीज लोगों की वजह से ही है, क्योंकि वो बहुत ही केयरफुली बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ गाइड करते हैं, समझाते हैं। और जब भी मैं जितने भी टाइम में मैं जापान में हूँ, तो मैंने बहुत सारे जापानीज लोगों से काफ़ी हेल्प की है, और सचमुच मुझे उस दिन काफ़ी लोगों ने हेल्प भी किया, जैसे गेट टुगेदर पार्टी कहाँ पर अरेंज की गई है, कैसे मतलब पूरा सिस्टम उनका एकदम वेल ऑर्गेनाइज था। मैंने कुछ भी पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से 100% डिटेल में एक्सप्लेन किया मुझे, तो जिससे मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिली, जापानीज लैंग्वेज के नए नए वर्ड्स भी मैंने सीखे, और उसी दिन मुझे ये पता चल गया कि जापानीज का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, किस लेवल से आपको काइवा शुरू करते समय क्या क्या बोलना चाहिए, काइवा ख़त्म करते समय ग्रीटिंग्स कैसे करने चाहिए। तो फिर वो बोली सो दिस का निहोन नो नानिगस की दिस का, तो उन्होंने टॉपिक चेंज किया, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू लाइक इन जापान, मैंने आंसर दिया निहोन नो ताबे मोनो नो बुंका गा स्की दाशी। देखिए ताबे मोनो गा स्की का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज, जापानीज फूड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जापानीज कल्चर मुझे बहुत पसंद है, मैंने जवाब दिया जापानीज फूड का कल्चर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बुंका का मतलब होता है कल्चर, यानी कि किस तरह से फूड बनाया जाता है, क्या उसके फ्लेवर्स होते हैं, क्या क्या ऑथेंटिक डिशेस होती हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ये सब बुंका के अंदर आता है। रोम्बुनो काकुता मेनी साइकिन ई निहोन रियोरिया सान नो केकिंच ताई दिसने, तो रोम्बुन लिखने के लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मुझे रोम्बुन अपना फूड क्यूजीन कल्चर पर ही लिखना है, तो
यही बात मैंने उनको बोली कि रोमबुन हो काकुतामे नहीं, मुझे रोमबुन लिखने के लिए। आजकल मैं एक अच्छे रियोरिया सन यानी कि जैपनीज फूड कुजीन फूड रेस्टोरेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कि एक इंस्टाई का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। तो फिर उन्होंने फिर से टॉपिक चेंज करके मुझसे पूछा इन दो तो नहीं हम तो दो चिगस की नानो देस्का, यानी कि जापान और इंडिया आपको इन दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आंसर दिया इन दो नी इरू तो कीवा निहोन दे निहोन नी इरू तो कीवा इन दो दिस में, यानी कि जब मैं जापान में होता हूँ तो मैं इंडिया को मिस करता हूँ और जब मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं जापान को मिस करता हूँ। तो बोली सुगोई दिस में जा देवा बांगो कोकांच ते मोई दिस का, कोकान का मतलब होता है एक्सचेंज करना और देवा बांगो मतलब फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर हम एक्सचेंज कर लें। ही रियोरिया सान ओ तकसान शित्ते रुकारा इट्स का ओशेमास, यानी कि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जापनीज फूड कुजीन को जानती हूँ। इसका का मतलब होता है कभी, ओशेमास मतलब मैं आपको गाइड करूँगी। तो मैंने कहा अरिगातो गोज़ाइमास तो रियाइज़ कोनो चिकाकुनी ई कोहिगा नोमा रेडू तो कोरोगा रेबा ओशिते कुदासाई ने, यानी कि तो रियाइज़ मतलब फॉर द टाइम बीइंग कोनो चिकाकुनी यहाँ आसपास ई कोहिगा नोमा रेडू यानी कि बढ़िया कॉफ़ी पीने का कोई प्लेस तो करो मतलब प्लेस अरेबा ओशिते कुदासाई प्लीज़ मुझे बताइए। तो सुनते ही वो झटपट बोली सोरेबा कोनो चिकाकुनी अरिमास जिकान अतारा ईश्वनी की मासेम का। तो ये सबसे पहला ऑफर था उनकी तरफ से कि बिल्कुल पास में ही है एक अच्छा कॉफ़ी शॉप जिकान का अतारा, जब भी आपके पास टाइम हो तो साथ में चलेंगे। तो इसी तरह से हमने एक बहुत अच्छा बहुत एक लंबा टाइम स्पेंड किया, लगभग 6-8 महीने तक हमारी अच्छी फ्रेंडशिप चली। और अगर आपको और भी इसके बाद की कहवा या उसके बाद हम मेरे साथ जापान में क्या क्या हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा आप nihongomax.com पर भी जा सकते हैं जहाँ पर काइवा एक अलग ही लव स्टोरी के एंगल में पोर्ट्रे की गई है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक N5 से लेकर N1 तक बिजनेस जापनीज काइवा सब कुछ सीख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल Nihongo Max। थैंक यू सो मच।